तो आज हम बनाएंगे बोर्ड। तो ये बहुत इजी प्रोजेक्ट है जिसे आप अपने साइंस एग्जीबिशन में बना सकते हैं। तो लेट्स मेक इट। एक 9 वोल्ट की बैटरी चाहिए, एक बैटरी कनेक्टर चाहिए, एक स्विच चाहिए, एक डीसी मोटर चाहिए, एक वायर चाहिए और 2 ईयरबड्स चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक ऐसी जो हमने शेप काटी है बोर्ड की जैसी, तो उसे काटने के लिए हमें क्या करना है, हमें जो वो होती है क्या कहते हैं कपड़े की प्रेस, तो उससे हमें इसकी मार्किंग करके ऐसी डिज़ाइन में काट लिया। ठीक है, तो हमने एक दूसरे जो हमने ऐसे काटा था बोर्ड की शेप में, हमने उससे जो सारा जो बेस था बीच में वो हमने निकाल लिया और हमने इसको ऐसे शेप में काट लिया। अब हम इसको ऐसे यहाँ पे ग्लू गन से चिपका लेंगे। तो अगर आपके पास ग्लू गन ना हो तो आप फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों हमने इस पर ग्लू गन लगा लिया, अब हम इसके इसको ऊपर रख देंगे इस तरह। अब हम वेट करेंगे कि ये सूख जाए। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए एक डीसी मोटर, ठीक है दोस्तों, और एक बैटरी। तो हम बैटरी को पहले कनेक्टर से कनेक्ट कर लिया है। फिर अब हम क्या करेंगे, हम जो इसका ब्लैक माइनस टर्मिनल है उसको डायरेक्ट मोटर में लगाएंगे इस तरह। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह आपको उसको माइनस टर्मिनल इसमें लगाना है। ठीक है, आप इसको या तो आप सोल्डरिंग कर सकते हैं या तो आप बिना सोल्डरिंग के आपका काम हो जाएगा, तो मैं आपको बिना सोल्डरिंग करके दिखा रहा हूँ। तो आप हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर लिया। अब हमें चाहिए एक स्विच, नॉर्मल स्विच जो प्रोजेक्ट बनाने में यूज़ होता है। तो हम इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो स्विच के एक टर्मिनल में लगा रहे हैं। सबसे पहले हमें ऐसे करना है, फिर आप इसको ऐसे देखिए ऐसे करना है और इसको ऐसे घुमा देना है जिससे कि ये टाइट हो जाएगा। तो अब हमें एक वायर लेनी है दूसरी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको इसमें पहले तो कनेक्ट कर लेंगे इस तरह। अब हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो हमारा अब जो सर्किट है वो हो जाएगा पूरा अगर हम इसको मोटर पे कनेक्ट कर देंगे। जो हमने दूसरा वायर लिया था उसे हम मोटर में डायरेक्टली कनेक्ट कर। तो मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा काट लिया यहाँ से ताकि हम यहाँ पे ऐसे मोटर को स्टिक कर सकें। तो अब हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट है। तो हम इसको यहाँ ऐसे फिट कर देंगे ग्लू गन से। यहाँ हम पहले अपनी जो बैटरी होती है उसे हम ग्लू गन से चिपका लेते हैं इधर। तो मैं अपनी बैटरी यहाँ पर चिपका ली है, ठीक है दोस्तों। और जहाँ हमारा मोटर है तो हमें जो इसके जो आगे इसको मूव करेगा तो हमें इसे बनाने के लिए एक ईयरबड का यूज़ करना है। तो मैंने इसके यहाँ से जो ये कॉटन एंड्स है इसको काट लिया है इस तरह से, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको आपको हल्का सा ऐसे फोल्ड करना है ऐसे दिखे, फिर हम इसको यहाँ पे फिट कर देते हैं। यहाँ पे इसको फिट कर रहे हैं। हमने इस तरह इसको फिट कर दिया। अब हमारा जो ये है बोर्ड वो तैयार होने वाला है, बस हम मोटर को यहाँ पे स्टिक कर देते हैं। हम यहाँ पे अपनी मोटर को भी स्टिक कर लिया है, ठीक है दोस्तों। अपने स्विच के नीचे भी हम थोड़ा सा ग्लू लगा लेते हैं जिससे हमारा जो स्विच है वो यहाँ हम यहाँ लगा देते हैं स्विच को इधर। हमारा जो बोर्ड है ये तैयार हो गया है। तो मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। तो देखिए हमें इसको स्विच ऑन करना है। देखिए दोस्तों अभी बोट हमारी कितनी अच्छी चल रही है, देखिए दोस्तों। इट्स वेरी गुड प्रोजेक्ट टू मेक इन योर साइंस एग्जीबिशन। इट्स वेरी इजी, इट वर्क्स। प्लीज लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।